धुले शहर में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई और शोले स्टाइल आंदोलन किया। साथ ही सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने साथ आकर आंदोलन किया। धुले शहर में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों में पानी के मुद्दे पर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित समाचार के आधार पर आंदोलन शुरू कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में करीब 8-10 दिन बाद पेयजल आपूर्ति हो रही है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए शहर के वार्ड नंबर 3 के दौरान वार्ड की महिलाएं पार्षद नाजिया नासिर पठान के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई और शो स्टाइल आंदोलन किया। धुले जिले में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ने से एक और जहां लोगों को भीषण गर्मी झेलते हुए पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी संबंध में जनप्रतिनिधि बार बार धुले नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस संबंध में गंभीर नहीं है। इसलिए जनप्रतिनिधि आक्रामक हो गए हैं और आज ये अतिवादी कदम उठा लिया है। इसके बाद आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि धुले नगर निगम प्रशासन और सत्तारूढ़ भाजपा आंदोलन पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द जलापूर्ति की योजना तैयार करेगी। प्रभाग क्रमांक 3 की नगर सेविका नाजिया नासिर पठान, आज हम नौरंग टाकी के ऊपर सब लेडीज मिलकर यहाँ पर आंदोलन किए टाकी के ऊपर चढ़कर। हमारे शहर में पानी की बहुत तकलीफ है, 15 से 20 दिन पानी नहीं मिलता है। इतने कड़क धूप के अंदर हमें पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से हमारी सारी लेडीज़ यहाँ पर जमा होकर हम आंदोलन किए। मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, ये विनती है कि अगर उन्होंने पानी की समस्या हल नहीं की तो हम इससे बड़ा आगे जाकर आंदोलन करेंगे, इसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। हम सोहिवी नगर पालिका को जगाने के लिए यहाँ पर पानी की टाकी पर खड़े होकर आंदोलन किए। आज इतनी धूप में हमारी लेडीज़ चलकर आई और इतने ऊपर इतने सारे बुजुर्ग लेडीज़ हैं हमारी, उनसे नहीं भी चला गया तो ऊपर चढ़कर वो टाकी के ऊपर आंदोलन किए, क्योंकि पानी की इतनी तकलीफ है। पानी इतनी धूप में लेडीज़ हमारी हंडा ले लेकर इधर से उधर भटकती है, तो हम इससे ज़्यादा आंदोलन करेंगे। मेरी यही उनसे विनती है कि हमें पानी की जो समस्या है उसको हल करो, उसका कोई हम बार बार नगर पालिका में तकरार करते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमारे पानी का जो निवेदन है उसको सही करो, लेकिन नगर पालिका हमारी इसके ऊपर तवज्जो देती नहीं, वो हाँ कर कर टाल देते हैं हमारी बात को। बार बार हम तकरार कर रहे हैं इसी बात पर। हमारी जो मैं एक अपने स्टैंडिंग की सदस्य हूँ स्थायी समिति की, बार बार स्थायी अपनी जो स्थायी समिति की जो अपने साप्ताहिक वो है सभा, उसके अंदर बार बार हम बोलते हैं लेकिन उस पर हम कोई अमल बजावनी नहीं है। सभापति साहब बोलो, सत्ताधारी बोलो, प्रशासन बोलो, हाँ करके हमारी बात को सुनते हैं, उस पर कोई अमल बजावनी नहीं है और हमारे नागरिक को पानी के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।